नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है गाइस। सभी को जो है ये रहता है, क्योंकि जिनका पोस्टिंग जो होम टाउन मिल जाता है तो उनको इतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जो बाहर पोस्टिंग उनको मिलता है तो उनको डेफिनेटली बहुत ही ये लगता है, भैया कैसे जो है हम जल्द से जल्द अपना घर पहुँच पाए, या एटलीस्ट नियरेस्ट स्टेशन जो है हम लोग को आ पाए। तो इसी मुद्दे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको दो सर्कुलर दिखाऊंगा, एक तो ये आप ही देख सकते हैं, ये रेलवे बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, रिसेंट है एकदम, सितंबर 2017 का ये, और एक सीएजी का आपको भी दिखाऊंगा। तो दोनों आप देख सकते हैं, रेलवे का भी हो गया, नॉर्मल सेंट्रल का भी हो गया। तो रूल्स मैं आपको जो दिखा दूंगा ऑलमोस्ट सेम है, क्या प्रोसीड्योर रहता है आपको वो देखना है। और सबसे पहली बात होता है जो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको उस ढूंढना, ठीक है, सेम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे आप म्यूचुअली ट्रांसफ़र करोगे उस कैंडिडेट को ढूंढना ही टफ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये ऑर्डर में जहाँ पे बोला हुआ था इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है, कितने दिनों में जो है ये आप ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है कर सकते हो। और ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है और टाइमलाइन दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र इज़ बिटवीन टू इम्प्लॉयज़, दोनों इम्प्लॉयज़ में होता है, जो सेम ग्रेड होता है और कैडर होता है, और ये जो वेरीफाई करेगा वो पर्सनल डिपार्टमेंट हर स्टेज में प्रोसेसिंग। आप जब एप्लीकेशन करोगे ना, करता क्या होता है, आपको एक एप्लीकेशन देना होता है आपके डिपार्टमेंट को, जो भी होगा आपको, सपोज़ यहाँ पे टू द जनरल मैनेजर दे दिया आपने, या टू द, सपोज़ आपके ऑफिस में टू द डायरेक्टर, टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर, को भी, किसी को भी आप अगर जो है करके आपको ये बताना है, हाँ मुझे म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहिए, और आप जिसे करना है उसका भी आपको पूरा डिटेल्स देना होता है, हाँ मुझे इससे करना है और मैं म्यूचुअली, हाँ वो भी एग्रीड है, मैं भी एग्रीड हूँ, और हम लोग को जो है म्यूचुअली ट्रांसफ़र किया जाए। फिर आपके ऑफिस से प्रोसेस स्टार्ट होगा, उनके प्रोसेस से स्टार्ट होगा, आपका फ़ाइल उधर चला जाएगा, उनका फ़ाइल इधर आएगा, फिर आप म्यूचुअली ट्रांसफ़र हो जाओगे, ठीक है। तो ये है, उसके बाद देखो सभी में डेडलाइन दिया हुआ है, और ये इसमें हाँ यहाँ पे देखो, एट द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑर्डर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द इम्प्लॉयज़, दोनों मंजूर है उसीलिए म्यूचुअल ट्रांसफर दिया रहा है। इट शुड बी मेड क्लियर दैट एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन दैट नो रिक्वेस्ट फॉर बैक ट्रैकिंग फ्रॉम द म्यूचुअल एक्सचेंज अरेंजमेंट विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप स्टार्ट कर दिए, आपको फिर लगा नहीं यार मूड बदल लेते हैं, छोड़ो यहीं अच्छा लगा, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो ये तो चलो ये है एक रेलवे का। चलो मैं आप सीएजी को आपको दिखाता हूँ क्या है उनका सर्कुलर। फोटो थोड़ा हेजी है गाइस, तो तब भी आप देख सकते हो, ये एक्चुअली है डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट कैडर के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो डिविजनल अकाउंटेंट कैडर के लिए ये है, आप डिविजनल अकाउंटेंट जो सीजीएल की पोस्ट है उसकी है, बहुत अच्छा पोस्ट है उसके लिए। देखो जो रूल्स बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ड्यूरिंग प्रोबेशन, ठीक है, ये जो रूल्स है ये सभी ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको प्रोबेशन में भी आपको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल सकता है, और डिविजनल अकाउंटेंट प्रोबेशनर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसके साथ कर सकते हो, जो डिविजनल अकाउंटेंट प्रोबेशनर है, मतलब एक ही बैच के हो एकदम, आपको सपोज़ आपको, आप आंध्रा के हो, आपको मिला वेस्ट बंगाल में, और जो वेस्ट बंगाल का है उसको उसको मिला आंध्रा में, आप दोनों बोल रहे हो मुझे इंटरचेंज करा दो, सेम ही बैच के हो, जो भी हो, जैसे कोई एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल, सीजिल, कोई भी हो, तो आपका वही है प्रोबेशन है। ऑन देयर म्यूचुअल ट्रांसफर द कंसेंट ऑफ विल टू हैव क्लियर, देखो ये एग्जाम होता है तो उसको तो क्लियर करना ही होगा, ये पॉइंट छोड़ो, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना होता है, क्योंकि इसमें डिविजनल अकाउंटेंट में क्या एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जो आपको परमानेंट करेगी, तो आपको वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा, वही कंडीशन दिया हुआ है। अगर बोला अगर कोई पेपर में एक्सेप्शन आपको है, एग्जेम्पशन मिला है, मतलब छः पेपर है, चार पेपर आप पास कर गए, ठीक है, दो पेपर बाकी है, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। द टोटल प्रोबेशन पीरियड इन टू ऑफिस इंक्लूड द एक्सटेंडेड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम पीरियड चार साल की हो सकती है। और देखो पास द रीजनल, जैसे जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेजेस जाननी पड़ेगी। जैसे आप सीएजी में कुछ कुछ पोस्ट में जाओगे, जो सिविल ऑडिट वाले होते हैं उनको मतलब दो यूइंग है, एक तो सिविल जो एजीयूजी में होता है वहाँ पे जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको सीखना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना होता है बाद। और देखो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ कन्फर्म्ड ऑफिशियल, जो कन्फर्म्ड है, प्रोबेशन नहीं है, ठीक है, जो प्रोबेशन खत्म हो गया कन्फर्म्ड है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैन बी अलाउड बिटवीन द ऑफिशियल होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, मतलब सेम होना है। अगर जब आप चल रहे हो
प्रोमोटेड टू हायर ग्रेड पेंडिंग फाइनलाइजेशन। सपोज आपने अप्लाई कर दिया, ये पॉइंट का मतलब है आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसी बीच क्या हो गया, एक बंदे का प्रमोशन आ गया और एक बंदे का प्रमोशन नहीं आया। अगर जिनका प्रमोशन आ चुका है वो अगर बोले हाँ ठीक है मैं अपना प्रमोशन फोरगो करता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं प्रमोशन लूँगा नहीं, तब आप म्यूचुअल हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पे क्या, अगर दोनों ही ऑफिशियल जो है प्रमोट हो चुके हैं और सेम हायर ग्रेड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर एंड द कंसर्न ऑफिस हैव नो ऑब्जेक्शन टू अकॉइंट इन द हायर ग्रेड, अगर ऑफिस को कोई दिक्कत नहीं हो, हाँ प्रमोशन मिल गया तब भी म्यूचुअल ट्रांसफर आप ले सकते हो अगर ऑफिस की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो ये कंडीशन सभी है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने वही बोला आपको कैंडिडेट ढूंढना ही टफ होता है। तो अभी आज के डेट में तब भी देखो होता है क्या, आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो आप सोशल मीडिया के तहत जो इन्फॉर्म कर सकते थे। पहले ज़माने में हम लोग देखते थे, अब जब रेलवे एग्ज़ाम देते थे सभी जगह पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र फ़ोन नंबर दिया रहता था, तो यही है। लेकिन आप आज के डेट में तो बहुत से फोरम बना हुआ है, आप कर सकते हो। तो चलो डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको मिल सकता है, आपको अप्लाई करना होता है, और आज के डेट में इसका प्रोसीड्योर भी सिंप्लीफाई हो चुका है, और मेन आपको जो है कैंडिडेट ढूंढना होगा, ठीक है गाइस। तो चलो सब आपका क्लियर डेफिनेटली हो गया। और देखो कोई टाइम लाइन नहीं है जी आपके, एक साल बाद, दो साल, मतलब कोई ऐसा टाइम लाइन नहीं है, क्योंकि आप प्रोबेशन में भी कर सकते हो, जैसे होता है ना सर कितना साल बाद अप्लाई कर सकते हो, तो देयर इज़ नो सच टाइम लिमिट गाइज। आप प्रोबेशन में भी कर सकते हो, आप कन्फर्म होने के बाद भी कर सकते हो, आप ज्वाइनिंग के साथ, ये पूरा डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट चाहे तो डेफिनेटली आपको कर देगा, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता भी है, ऐसा नहीं होता है, होता भी है, तो ज़रूर होने, अगर ऐसा हो तो ज़रूर अप्लाई करके रखना, तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना, बाय।